त्योहार था और आप सब जानते हैं त्योहारों के रंग में रंगी हुई हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से नजर आती है। करवा चौथ की सुबह से ही एक्ट्रेसेस के स्पेशल लुक सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गए। शाम बीतते बीतते तक चांद के इंतजार के साथ जो ऑडियंस है वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के करवा चौथ लुक का भी इंतजार कर रही थी, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। खैर, अगर बात करें हम इंडस्ट्री की तो आप सब जानते हैं बच्चन परिवार है जहां हर फेस्टिवल बड़े ही शानदार तरीके के साथ मनाया जाता है, होली हो, दिवाली हो या करवा चौथ ही क्यों ना हो। तो करवा चौथ पर अभिषेक बच्चन ने जानते हैं क्या किया है, बड़े ही खास अंदाज में अपनी वाइफ ऐश्वर्या को सरप्राइज दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इस खास त्योहार को और भी ज्यादा खास बना दिया है जूनियर बच्चन ने अपने खास जेस्टर से। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन इंडस्ट्री के पावर कपल है, इनकी हर एक्टिविटी पर ऑडियंस की नजर रहती है। वहीं अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अपनी फैमिली से जुड़े किस्से कहानियां साझा करते रहते हैं। तो ये करवा चौथ का फेस्टिवल इस साल बच्चन फैमिली में कितनी खास तरीके से मनाया गया है। इस साल बिग बी की फैमिली ने सुबह से लेकर रात के डाइनिंग टेबल तक के रूटीन में क्या क्या किया है, अभिषेक ने ऐश्वर्या को कैसे सरप्राइज दिया है, विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए जरा। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन से ढेर सारा प्यार करते हैं और ये बात आप सब जानते हैं। वेल, बीते कल करवा चौथ का त्योहार था और करवा चौथ पर अभिषेक और ऐश्वर्या जितने खास अंदाज में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते थे इन्होंने किया है। भाई अभिषेक ने अपनी वाइफ को, अपने परिवार को कमाल का सरप्राइज दिया है और इस सरप्राइज का खुलासा खुद बिग बी ने अपने ब्लॉग में किया। भाई बच्चन परिवार में ये त्योहार किस तरीके से मनाया गया है इसे लेकर चाहने वालों को जानकारी बिग बी ने ही दी। कल अभिषेक बच्चन दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में थे, अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रीथ की शूटिंग में काफी बिजी थे। वहां पर भूखे प्यासे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख कर बैठी ऐश्वर्या को लगा था कि इस बार का त्योहार उनके पति अभिषेक के बिना ही मनेगा। भाई ऐश्वर्या को लगा था कि इस बार उन्हें पति का चेहरा वीडियो कॉलिंग के जरिए ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभिषेक ने जो किया उसे देखकर हर कोई कह रहा है पति हो तो ऐसा। भाई अभिषेक ने किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिलने दी और चांद निकलने से पहले ही अपने घर की दहलीज पर पहुंच गए। बिग बी खुद बताते हैं कैसे शाम बीतने तक उनका परिवार कंप्लीट हो गया। अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग में करवा चौथ पर लिखते हैं, करवा चौथ पर क्या होता है इसे लेकर अपने विचार रखते हैं। बिग बी ने लिखा, दूसरे सालों की अपेक्षा चंद्रमा काफी चमकीला था और शाम से पहले बालकनी में दिखाई दे रहा था, कभी कभी ये बादलों से ढका रहता। महिलाओं के लिए तो लंबा इंतजार था लेकिन आज रात चांद ने कृपा कर दी। शाम को बेटे अभिषेक ने सरप्राइज दिया, वो दिल्ली में ब्रीथ की शूटिंग कर रहे थे लेकिन बिना बताए अचानक घर आ गए। परिवार के लिए ये बड़ा सरप्राइज और हैरानी थी क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी इस तरह से त्योहार के समय फैमिली कंप्लीट हुई। डाइनिंग टेबल पर हंसी ठहाके और स्पेशल खाना था। आपको बता दें अभिषेक बच्चन अपनी वाइफ को करवा चौथ के दिन अपसेट बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, तो बस फिर क्या था, खास अंदाज में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जूनियर बच्चन ने फ्लाइट पकड़ी और चांद निकलने से पहले ही अपने घर पहुंच गए। बिग बी के ब्लॉग में जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है उससे मालूम पड़ता है कि एक परफेक्ट फैमिली मोमेंट बच्चन परिवार को कल देखने को मिला। एक परफेक्ट फैमिली वाला मोमेंट इन लोगों ने कल का त्योहार सेलिब्रेट करते हुए महसूस किया, जो अपने आप में करवा चौथ के चांद में चार चांद लगाता है।